प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लेकर आया हूं कि हाउ टू चेंज टू एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें आपको इससे पहले वीडियोज में आपको असर्टिव सेंटेंस के विषय में बताया गया है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को डाल दूँगा। और आप देखें इसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम बताएंगे इंपरेटिव सेंटेंस, कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस हाउ टू चेंज। देखिए देर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज कमांड एंड ऑर्डर, जब हम किसी कमांड करते हैं अथवा ऑर्डर करते हैं। जस्ट लाइक उसके जो एक्टिव फॉर्म होंगे उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है वर्ब से शुरू होते हैं और वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसमें देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। क्या होंगे? एक्टिव फॉर्म में किस तरह वर्ब्स होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर। जैसे आप वर्ब्स है द विंडो, ओपन द विंडो, ठीक है, अदर वर्ड्स नहीं है, अदर वर्ड की जरूरत है। ओपन द विंडो, विंडो खोलो, ये हम तो एक्टिव फॉर्म में कह रहे हैं कि बोलने वाले को जोर दिया जा रहा है कि हम बोल रहे हैं कि आप खोलिए, लेकिन किसी व्यक्ति को जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में ज़्यादातर वर्ब थर्ड फॉर्म में की जाती है, किसी विशेष परिस्थितियों में फर्स्ट फॉर्म में भी होती है, वो भी बता रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ लेट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, या अदर वर्ड यूज किए जाएंगे। अदर वर्ड नहीं होंगे तो उनकी जरूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ कि एक्टिव वॉइस को कैसे हम प्रयोग करेंगे। देखिए आप यहाँ पर कि ओपन द विंडो, यहाँ सर पर लेंगे लेट लिखेंगे, क्या करेंगे लेट, फिर द विंडो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट द विंडो, क्या करेंगे लेट द विंडो, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी ओपन, बी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लेट द विंडो बी ओपन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसका प्रयोग करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो बी ओपन, वर्ब के बाद क्या लिखेगा, जब इसका प्रयोग करेंगे आप लेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग होगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का, ठीक है, फिर अदर वर्ड यूज किया जाता है। इसमें जब आपका कमांड या ऑर्डर होता है, जैसे कालर द विंडो पे, ठीक है, खिड़की को खोल दो, तो इसका होगा लेट द विंडो बी ओपन, खिड़की खोल दिया जाए, पैसिव फॉर्म में, मतलब खिड़की के ऊपर जोर दिया गया, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। जब वहाँ पर इम्फेसिस किया गया खिड़की को, तब यहाँ पर कहा खिड़की खोल दी जाए, तो लेट द विंडो ओपन, ये ऑर्डर हो गए। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें होती हैं एक्टिव वॉइस में, जो आप इंपरेटिव सेंटेंस में कि जो एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है लोगों को, तब भी हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कहा जाए एक्टिव फॉर्म इसका देखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होंगे। जैसे यहाँ हेल्पिंग, हेल्प द पुअर, ये एक एडवाइस है, गरीबों की मदद करो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं सब जो व्यक्ति होता है कि अगर सब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हमको सब्जेक्ट बनाना होगा, सब्जेक्ट या तो सेकंड फॉर्म होगा या तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वो भी प्लूरल फॉर्म में बी का प्रयोग करेंगे। लिखा जाएगा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो लिखा जाएगा यू शुड, क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, कहेंगे द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हम कहेंगे हेल्प द पुअर, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या होगा, पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है। फिर से एक बार देखें, दो फॉर्म आपको बताए इंपरेटिव सेंटेंस के, पहला है ऑर्डर या कमांड होती है, दूसरा होता है एडवाइस। क्या होती है एडवाइस,
तीसरी चीज होती है जो इंपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें रिक्वेस्ट होती है जिसमें काइंडली या प्लीज लगा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काइंडली हेल्प मी, इसको किस तरह लिखते हैं, कैसे वर्ड बनाते हैं, तो इसमें कहते हैं यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करने के बाद फिर टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड जो भी लगाना है लगाएंगे। जैसे इसमें देखें काइंडली हेल्प मी तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी चीजें आपको जोड़नी है अलग से, कौन सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी काइंडली हटा करके जो वाक्य है जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप मेरी मदद करें। और एक चीज़ देखें, तीसरी चीज़ आपको, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस बोली जाती है, उन इंट्रांजिटिव वर्ब्स को भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, यू आर ऑर्डर या सजेस्ट, स्टेल अप यहाँ पर ऑर्डर दिया गया तो आप लिख सकते हैं यू आर, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। इसके अलावा आप एक सेंटेंस एक क्या देख देते हैं सजेस्टेड के लिए कि आप सेंटेंस किया जा सकता है कब करेंगे, जैसे कहा जाए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस को देखें वॉक डेली इन द मॉर्निंग, यहाँ आप देख सकते हैं कि वॉक जो है क्या है इंटरसिव वर्ब्स है, इसके पास साथ कोई सब आप देख की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, लिखा जाएगी यू आर सजेस्टेड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसों को बता के किस तरह से किया जा सकता है, आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। और इसके अलावा आपको इसके बाद बताएंगे लेट का प्रयोग, इसके बाद आपको लेट का प्रयोग जो बता रहे हैं इसमें देखें कि एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस से इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरह से लेट का प्रयोग, लेट में आप देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस में, उनको किस तरह से हम बताएंगे एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में बदलें। और देखें कुछ सेंटेंस इस तरह होते हैं लेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, जिसमें ऑर्डर होती है अथवा कमांड होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम बदलते वक्त क्या करते हैं लेट के बाद जो नाउन है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं आपका जो वर्ब बी लगाते हैं बी ई, ठीक है, उसके बाद नाउन का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर वाई फिर ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ कि लेट हिम कंप्लीट द वर्क, पहले लेट है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है फिर उसके बाद वर्ब है फिर नाउन है, ठीक है, तो इस नाउन को क्या करते हैं इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, पहले क्या करेंगे लेट, फिर क्या करेंगे द नाउन, द वर्क नाउन है ना, द वर्क लेट द वर्क लेट द वर्क फिर बी, फिर क्या करेंगे कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, फिर बाई फिर किसके द्वारा किया जा रहा बाई हिम, किसके द्वारा बाई हिम, यहाँ पर हम करेंगे बाई हिम। इस तरह से जब सेंटेंसेज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं आप एक बार फिर ध्यान दें कि जब एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म बदलेंगे तो क्या करेंगे लेट के बाद जो इसमें नाउन होंगी लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई हिम हुआ। इसके बाद दूसरा देखें सजेशन के लिए भी इसी तरह किया जा सकता है, अगर सजेशन होता कोई कि हमें काम करना चाहिए कि नहीं, जैसे लेट अस वर्क टुगेदर और हम एक साथ काम करें ये सजेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे जब सजेशन होता है तो हम इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करते हैं फिर बी शुड का प्रयोग करेंगे,
क्या होगा, इट इज, क्या इसका प्रयोग करेंगे, इट इज सजेस्टेड, क्या किसका प्रयोग करेंगे, सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टूगेदर, क्या क्या प्रयोग करेंगे, वर्क टूगेदर। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में जितने ही प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, और फिर भी इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपको अभी भी बतानी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको इसी तरह के अन्य वीडियोज भी देखने हैं कि आपको स्कूल संबंधित फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्टों को मैं आपको यूट्यूब पर ला रहा हूँ और इसको देखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।